आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रभात तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों प्रभात तिवारी स्टडी आई क्यों पे। सी टेट भर्ती की पल पल की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड की जा रही है। और सभी को पता है दोस्तों सी टेट की पहली उत्तर कुंजी आ चुकी है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को गलत बताया गया है और पेपर का लेवल इतना कई कई सब्जेक्ट का टप बना दिया गया है कि अभ्यर्थियों को दोस्तों यहाँ पर कम से कम 10 से 15 नंबर बोनस अंक मिलना दोस्तों तय हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम चर्चा करेंगे हर टॉपिक पर क्या अपडेट आई है सी टेट की तरफ से उसको चर्चा करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग चैनल पर विजिट कर रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ना बेल आइकन दबाना जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक समझते तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों बात करते हैं यहां पर सीटेट भर्ती 2022 के बारे में। आप सभी को पता है कई शिफ्टों पर आपका एग्जाम को कंडक्ट कराया गया था और लगभग एक महीने से अधिक आपका यहां पर पेपर कंडक्ट कराया गया था। तो कई सारे शिफ्ट थे जिसमें पेपर का लेवल बहुत ही मॉडरेट टू हार्ड बनाया गया था और उसमें अभ्यर्थियों का कहना सर मेरे 70 मार्क्स आ रहे हैं, 75 मार्क्स आ रहे हैं, 78 मार्क्स आ रहे हैं, 79 मार्क्स आ रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं अभी रेलवे की जो परीक्षा हुई थी एनटीपीसी में कम से कम 20 से 25 नंबर बोनस अंक मिले हैं और यह नहीं इसमें दोस्तों एक्यूरेसी का ख्याल रखा गया। एक्यूरेसी गलत होने के बाद भी यहां पर अच्छे खासे बोनस में नॉर्मलाइजेशन मार्क्स मिले हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों जिनका भी 75 और 70 के अकॉर्डिंग आ रहा है उनको घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको कम से कम 12 से 15 नंबर का बोनस अंक मिलने वाला है क्योंकि दोस्तों सीटेट भर्ती परीक्षा को जैसे जैसे शिफ्टों का पेपर हार्ड होता गया दोस्तों टफ करते गए और वहां पर मॉडरेट करते गए तो अभ्यर्थियों का कहना है कि पेपर टफ होने के कारण हमने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं। तो यहां पर दोस्तों कम से कम 10 से 15 नंबर बोनस देखने को मिल जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी नहीं फिक्र रहिए, आपकी संशोधित उत्तर की कुंजी आने दीजिए। आप लोग कह रहे थे कि सर पहले सीटेट के रिजल्ट आएगा, मैंने आपको पहले बताया था भैया आप लोग का सीटेट का रिजल्ट नहीं, पहले आपका सीटेट का उत्तर कुंजी आएगा। अभी एक संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाएगी यह पूरी आपत्ति निस्तारण के बाद, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपत्तियों का टाइम पीरियड शुरू हो चुका है। 1000 रुपये देकर के आप आपत्तियों को कर सकते हैं लेकिन आपत्तियों के बाद दोस्तों जितनी भी आपत्तियां मिलेंगी उसके ऊपर एक ये कह सकते हैं विशेषज्ञों को बैठाया जाएगा, आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा, उसके बाद आपको कॉमन अंक दिए जाएंगे। तो 10 से 15 नंबर का कॉमन अंक मिल सकता है और जिनके पेपर हार्ड था उनको दोस्तों यहां पर 15 से 18 भी मार्क्स मिल सकता है। तो ये जानकारी थी, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत।